गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुनी मैम. आई एम गोइंग टू टेक योर हिंदी सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अवर हिंदी बुक इज़ सुबह हो गई. इस कविता में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनको मैंने इस बुक कॉपी पे लिखा है. आप हमारे साथ इन कठिन शब्दों को पढ़ो और फिर इसके बाद इसी तरीके से अच्छी राइटिंग में इसे अपनी कॉपी पे उतार के आपको लिख के प्रैक्टिस करना है. तो पहला शब्द है सुबह, दूसरा चिड़िया, तीसरा सवेरा, चौथा सूरज, पांचवा मंदिर, छठवा अखबार, सातवां घूमने और आठवां रसोई. ये आठ कठिन शब्द हैं जो इस कविता में दोहराई गई हैं और इन्हें आपको अच्छी तरीके से पढ़ने और लिखने आना चाहिए. साथ ही साथ कुछ यहाँ पे शब्द भी दिए गए हैं जिनका अर्थ मैंने लिखकर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है. इन शब्दार्थों को आपको अपनी कॉपी में इसी तरह से लिखना है और इसको पढ़ के और लिख के प्रैक्टिस करना है. पहला शब्द है सुबह. सुबह का मतलब होता है सवेरा. दूसरा है डेरा. डेरा मतलब जमकर बैठना. तीसरा अनमोल. अनमोल मतलब कीमती. चौथा खोना. खोना मीन्स बर्बाद करना. पांचवा है बाघ. बाघ मुर्गे की आवाज़. छठवां अंगड़ाई लेना, शरीर को जोर से खींचना. सातवां वह स्थान, रसोई मतलब वह स्थान जहाँ खाना बनाते हो. आठवां चंदा मीन्स चंद्रमा. तो इन शब्दों को, इन कठिन शब्दों को और इन शब्दार्थों को इसी तरीके से सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में आपको लिखना है और फिर इसी का रिवीजन आपको करना है.